हेलो एंड वेलकम टू आई पी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एलजेब्रा का नेक्स्ट पोर्शन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अभी तक हमने एल्जेब्रा में डिस्कस किया था रिगार्डिंग क्या होता है रिगार्डिंग आपका व्हाट आर इक्वेशंस व्हाट आर इक्वेजन एट द सेम टाइम और लॉगरिथम के आपस में रिलेशनशिप भी डिस्कस कर करे थे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ एलजेब्रा विच इज लीनियर इक्वेशन ठीक है तो सबसे पहले अगर आपने पहला वीडियो एलजेबरा का डिस्कस किया होगा या देखा होगा हमारा तो वहां पे हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया था कि इक्वेशन की डिग्री क्या होती है पावर क्या होती है है ना सो so, अगर उसकी डिग्री मींस द हाईएस्ट पावर होती है वन ठीक है तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ठीक है, है? वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो भी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं उतने ही ठीक है इसका मतलब इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी बनी होंगे लेकिन तब मैंने ये डिस्कस नहीं किया था कि ये सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है या फिर सॉल्यूशन की जगह कई बार इसको आप रूट्स वर्ड से भी डिनोट करते हो ठीक है सो सॉल्यूशन और रूट्स एक ही बात है और लेकिन इन दोनों का ही मतलब क्या होता है वो हम लोग इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ठीक है थीके? चलिए तो बिफोर यू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करना है कि एक्चुअल में का रोल क्या होता है ठीक है सो अगर हम एक मतलब सिर्फ डी मोशन की बात करें ठीक है तो वन डी मोशन में हमारे सेंटर में होता है जीरो वन डायमेंशन में सेंटर में होता है जीरो जब हम राइट right साइड आगे बढ़ते हैं ठीक है थीके? तो यहां पे वैल्यूज बढ़ती जाती हैं वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन होती जाती है ठीक है जब हम पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो वैल्यूज घटती जाती हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एन सोन वो भी होता जाता है ठीक है सो दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशन और सबसे पहले डायमेंशन को हम लोग किस नाम से डिनोट करते हैं पी डिनोटेड बाय एक्स ठीक है तो एक्स एक्सेस का मतलब क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम एक्स की वैल्यूज जो कि यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रही हैं, एवरी अदर वैल्यू रिमेन्स जीरो ठीक है? Zero, तो जैसे ही हम लोग दूसरा डायमेंशन बनाने की कोशिश करते हैं ठीक है तो वैसे ही हम लोग का दूसरा डायमेंशन इस तरीके से बनता है ठीक है सो अगर मैं एक्स एक्सएस की इक्वेशन आपके सामने लिखना चाहूं तो X की इक्वेशन क्या होगी दैट एवरी अदर डायमेंशन इज इक्वेशन ऑफ एक्स इज y is equal to zero, जब जब हम दो रोमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं अगर मैं तीन डायमेंशन के बारे में बात करूंगा तो एक्स की इक्वेशन होगी y वाई जिकसू जीरो तो यहाँ पे जैसे ही हम दूसरा डायमेंशन लेके आते हैं तो यहाँ पे जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो वैल्यूज बढ़ती हुई नजर आती है वन टू थ्री फोर ठीक है जब हम नीचे बढ़ते हैं तो वैल्यूज घटती हुई नजर आती है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो ऑन ठीक है तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सेस ठीक है यहां पे लिख देता हूं मैं दिस इज नथिंग बट वाई एक्सेस ये पूरी ही लाइन ठीक है अब वाई एक्सेस की इक्वेशन क्या होगी वाई एक्सेस की इक्वेशन होती है एक्स इज ठीक है चलिए तो अब व्हाट इज अमेक्लेचर नॉम क्लेचर यह कहता है कि जब भी आप वैल्यूज पुट करो तो पहले x की वैल्यू पुट करो फिर y की वैल्यू पुट करो ठीक है तो यहां पे x वैल्यू है लेकिन यहां पे क्योंकि इस पूरी लाइन का मतलब होता है y 0, इसलिए यहां पे हम लोग वन के साथ में क्या लिखेंगे वी विल राइट थ्री कॉमा जीरो फोर कॉमा जीरो

एक्स की वैल्यू uh, जीरो तो हम दोनों ही वैल्यूज का मान रखते हैं और यहां पे हम रखते हैं जीरो इंपॉर्टेंट है? so, बात है ये जब हम थ्री डायमेंशन के बारे में बात करेंगे तो ये ओरिजिन हो जाएगा जीरो कॉमा जीरो जीरो क्योंकि वहां पर जी भी जीरो होगा ठीक है कई लोग जेड बोलते हैं लेकिन एक्चुअल प्रोनंसिएशन उसका जी है ठीक है कमिंग टू y वाइक्स y बोलता है कि एक्स जीरो वन जीरो माइनस वन जीरो माइनस टू जीरो माइनस थ्री एंड जीरो माइनस फोर ठीक है चलिए ये होता है एक्सएक्स एंड वाइक्स की कहानी ठीक है मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से सा आपके साथ एक्सप्लेन किया कि एक्सेस वाइक्स होता क्या है ठीक है अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ विच इज लीनियर इक्वेशन अब लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल्स टू सी ठीक है एक इक्वेशन के मल्टीपल जनरल फॉर्म भी हो सकते हैं ठीक है डिपेंडिंग ऑन हम क्या बात कर रहे हैं जब मैं एल्जेब्रा की डेफिनेशन में बात कर रहा हूं तो उसका मतलब होगा ए एक्स प्लस जब मैं ज्योमेट्री के तरीके से बात करूंगा तो लीनियर इक्वेशन का ही एक अलग डेफिनेशन होगी जो ठीक है तो वो भी जनरल फॉर्म होता है यहां पर लिख देता हूं मैं आपके लिए वाई इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी इज द जनरल फॉर्म जब मैं एल्जेब्रा का टॉपिक नहीं जब मैं ज्योमेट्री का टॉपिक आपके साथ अगर डिस्कस करूंगा तब बातें हम करेंगे यहां पर एम इज कॉल्ड द स्लोप एम इेडियंट एम इज कॉल्ड अपॉन डी एक्स एंड मल्टीपल नेम्स ऐसी चीज के ठीक है सी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट ठीक है सी इज कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट क्या होता है मैं अभी बात करूंगा इसके बारे में लेकिन थोड़ी सी देर के बाद ठीक है चले तो जनरल फॉर्म जब हम एल्जेबरा के डेफिनेशन की बात करें तो उसका जनरल फॉर्म होता है AX BY to, uh, 12, तो इसको प्लॉट करने का तरीका क्या होता है ठीक है तो सबसे पहली बात लीनियर इक्वेशन में अपने आप एक वर्ड है लाइन सो लीनियर इक्वेशन क्या होता है एक लाइन होती है ठीक तो अगर मैं इसकी इसको सेटिस्फाई करते हुए अब मैंने जब इक्वेशन आपको बताया था तब मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में बोला था कि इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू इक्वल टू का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है वो राइट हैंड साइड की इक्वल होना चाहिए ठीक है तो अलग अलग वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए हम लोग वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे ठीक है सो so, एक्स की सबसे पहली वैल्यू मान लेते हैं मैंने जीरो रख दी

जो कि हो गया ये वाला पॉइंट ठीक है अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो एक अलग वीडियो के बारे में आपके साथ बताने वाला हूं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, कि जब हम एक्स को बढ़ाते हैं वर्ड बाय वर्ड इसको नोट कर लेना जब मैं एक्स को बढ़ाता हूं बाय द कॉफिशियंट ऑफ x और कॉफिशेंट ऑफ y जब मैं x को बढ़ाता हूं बाय द कॉफिशियंट ऑफ वाई यहां पर ए बी एंड सी आर कॉल ठीक है ए इज दस बी इज दी इज द कॉफिशेंट ऑफ कॉन्स्टेंट ठीक है तो जब मैं एक्स को बढ़ाता हूं बाय द कॉफिशेंट ऑफ वाई तो मेरा वाई घट जाता है माइनस बाय द कॉफिशेंट ऑफ एक्स मतलब टू से घट जाएगा तो यह क्या जब ये थ्री होगा तो यह क्या हो जाएगा थ्री कॉमा टू भी इसको सेटिस्फाई करेगा ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इसको मैं प्रूव भी करूंगा इन कमिंग वीडियोस लेकिन क्या करना है सिक्स वाई की जगह so पे टू रखो सो थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स बस सिक्स का ट्वेल्व होता है हाँ होता है प्रूव होगी बात है ना भाई चलिए ये स्टेप अगर हम एक और बार करें अगर मैं x को बढ़ाऊं बाय द कॉफिशियट ऑफ y विच इज थ्री तो मेरा y घट जाएगा बाय द कॉफिशियंट ऑफ x विच इज टू ये हो जाएगा सिक्स और ये हो जाएगा जीरो ठीक है और ये मैं करने भी वाला था कि अगर मैं y की जगह पे जीरो रखूं तो टू एक्स टू हो जाएगा ट्वेल्व है ना तो टू एक्स अगर ट्वेल्व हो तो x हो जाएगा ट्वेल्व अपॉन्ट टू विच ठीक है रख के देख लो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा तो ये वो तीन पॉइंट्स हैं अब जीरो कहां होगा अगर फोर कॉमा जीरो है फाइव कॉमा जीरो है सिक्स कॉमा जीरो मान लेते कहीं यहां पे है ठीक है सो दिस पॉइंट सिक्स कॉमा जीरो थ्री कॉमा टू होगा क्रॉस ठीक है अगर इन तीन पॉइंट्स को मिला के अगर मैं एक लाइन बनाऊं ठीक है सो दैट लाइन वुड डिनोट टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्स टू ट्वेल्व ठीक है दैट लाइन वुड डिनोट टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्स टू ट्वेल्व एंड दैट इज वॉट वी डिनोट लीनियर इक्वेशन एस ठीक है मैं थोड़ी सी एल्जेब्रा और ज्योमेट्री कहानी मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं विद अटमोस्ट इजीनेस ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स एकदम एक बार में दिमाग में स्टिक हो जाए ठीक है सो प्लीज सुनिए सुनते रहिएगा चलिए अब अब आपने सुना होगा कि आप सॉल्व करते हो इक्वेशंस को है ना सो हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस ठीक है तो आपको पेयर ऑफ इक्वेशन मिल जाती हैं और उसको आप सॉल्व करते हो सॉल्व करने का तरीका अभी आपको मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा क्या होता है ठीक है सो so, अगर मैं बोलू एक इक्वेशन है टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्स टू ट्वेल्व दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इजिकल्स टू फोर तो जरा इसको सॉल्व करके बताइए ठीक है जरा इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके बताइए और उसके बेसिस पे हम लोग आगे के डिस्कशन करेंगे पॉज वीडियो सॉल्व करिएगा ठीक है चलिए मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों ने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा नहीं किया तो आप कर लीजिएगा ठीक है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा था बचपन में इसको मल्टीप्लाई कर दो टू से तो ये बन जाएगा टू एक्स प्लस टू वाई फिजिकल्स टू एट पहली इक्वेशन है ये दूसरी इक्वेशन अब हो जाएगी ये पहली को दूसरी से सब कर दो ठीक तो सभी जगहों पे साइन चेंज हो जाएगा सो टू एक्स माइनस टू एक्स हो जाएगा जीरो मतलब आपस में ये तो कट जाएंगे थ्री वाई माइनस टू वाई हो जाएगा वाई और ट्वेल्व माइनस एट हो जाएगा फोर ठीक है सो वाई की वैल्यू क्या आ गई फोर अब वाई की वैल्यू फोर इक्वेशन नंबर वन में रख दो या इसको हम थर्ड बोलते हैं चलो दिस इज इक्वेशन टू ठीक है इक्वेशन नंबर में जब आप रखोगे तो आपके पास एक्स वैल्यू आ जाएगी जीरो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है जीरो सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ठीक है अब ये सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कैन एनी बडी टेल मी ये जो आपने सॉल्व किया उसका मतलब क्या है उसका औचित्य क्या है उसका लॉजिक क्या है ठीक है हम सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन हमें कई बार यह नहीं पता होता है कि इसका मतलब क्या है ठीक है अब, थी, थी, अब अगर यही एक्सप्ल वाईस टू फोर से हम लोग लिख रहे हैं इसको भी इसी तरीके से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो उसका मतलब क्या होगा एक्स को जीरो रखो तो वाई हो जाएगा फोर

पॉइंट बाय पॉइंट यहां पे प्लॉट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1,3 1,3 ये पॉइंट ठीक है 2,2 ये पॉइंट 0,4 तो ये पॉइंट है ठीक है फिर मिलेगा 3,1 ये पॉइंट और फिर मिलेगा 4,0 ये पॉइंट तो जब आप इन सभी पॉइंट्स को आप क्या करेंगे मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगी ये लाइन एंड दिस लाइन विल डिनोट एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर ठीक है तो दो लाइंस आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी जीरो कॉमा फोर पे इंटरसेक्ट करी है ना तो ये जो सॉल्यूशन आता है इस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है दैट डीस टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ठीक है तो आज आपने सबसे पहली बात तो यही सीखी कि जो बचपन से आप इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे थे ठीक है उसका मतलब क्या होता था ठीक है रूट्स का मतलब क्या होता था सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है रूट का मतलब क्या होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस ये दो लाइंस आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये मतलब होता है आपका बाय सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन ठीक है सो so प्लीज इस पॉइंट को नोट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि दो लाइंस आपस क्या क्या कर सकती है एंड उसको चेक करने का क्या क्या तरीका होता है बट बिफोर दैट यहां पे जो मैंने ज्योमेट्री की डेफिनेशन में वाई इंटरसेप्ट बोला था उसका मतलब क्या होता है वो मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको ठीक है तो वाई इंटरसेप का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन से y का किस पॉइंट पे y एक्सिस को टच करती है दैट इज कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट तो अगर मैं इन दोनों लाइनों के बारे में बात करूं तो ये दोनों लाइनें क्या कर रही हैं फोर डिस्टेंस पे फ्रॉम द ओरिजिन ये कट कर रही हैं तो इन दोनों ही लाइंस का वाई इंटरसेप्ट होगा फोर ठीक है आई विल प्रूव इट टू यू सो पहली क्वेश्चन थी 2x 3y 12 ठीक है तो यहां लिख देते हैं इस तरीके से अगर लिखना है टू एक्स प्लस माइनस टू एक्स प्लस ट्वेल्व ठीक है मैं, so मैं फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूं तो मैंने थ्री वाई को वही रख दिया टू एक्स को यहां ले गया तो जाएगा माइनस टू एक्स

x प्लस टू फोर को इसी तरीके से लिखना चाहूं तो वो तो और सिंपल तरीके से लिख दिया जाएगा दैट वुड बी नथिंग बट y सो so बन जाएगा उसका m और c हो जाएगा उसका फोर ठीक है तो इसका भी y इंटरसेप्ट क्या है फोर ही है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन द y इज दोर ये डिनोट करता है y इंटरसेप्ट ठीक है चलिए सो दिस अ डिस्कशन ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट विथ यू अगर यहाँ पे आप नोटिस करो एक और चीज ठीक है तो यहाँ पे m की वैल्यू माइनस वन है यहाँ पे m की वैल्यू माइनस टू अपॉइंट थ्री है m का मतलब क्या होता है स्लोप मतलब अगर आप लोग मैनेजमेंट फील्ड में एंटर करने वाले हैं ठीक है तो आपको ओब्वियसली बात है कुछ ग्राफ को इंटरप्रेट करना आना चाहिए ठीक है डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको हम लोग पूरा एक पोर्शन बोलते हैं ठीक है तो डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है मान लेते एक कंपनी है ठीक है उस पर्टिकुलर कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ रही उसका 2001 में था ये इतनी सेल्स ठीक है 2 में हुई इतनी सेल्स ठीक है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा है तो ये ग्राफ कैसा कैसा है क्या कंपनी राइज़ कर रही है या फॉल कर रही है द कंपनी इज राइजिंग है ना क्योंकि उसकी सेल्स पहले कम थी फिर बढ़ गई फिर बढ़ गई फिर बढ़ गई और बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है सेल्स इसका मतलब द कंपनी इज राइजिंग राइजिंग का मतलब हो गया स्लोप वुड बी पॉजिटिव ठीक उसके ऑपोजिट में अगर एक पर्टिकुलर कंपनी है ठीक है जिसकी स्टार्टिंग में सेल थी ये और अब सेल हो गई है ये मतलब उसकी सेल्स क्या हो रही है डिपिंग है ठीक है सो यहां पे 2018 में मान लेते ये सेल हुई 2019 में ये सेल हुई ठीक है 2020 में ये सेल हो गई ठीक है तो इसकी सेल क्या है डिक्रीजिंग है डिपिंग है ठीक है तो इसका m क्या होगा नेगेटिव और यही बात प्रूफ करने के लिए ये दोनों लाइंस भी हैं अगर आप यहां पे नोटिस करो तो ये सारे दोनों की दोनों लाइंस क्या है डिपिंग है जैसे-जैसे x बढ़ रहा है y घटता जा रहा है ठीक है x इज द इनपुट दैट यू गिव वाई इज द आउटपुट एट यूनिट ठीक है तो अगर इनपुट बढ़ने पे आउटपुट घटे इसका मतलब स्लोप नेगेटिव होगा अगर इनपुट बढ़ने पे ठीक है इनपुट बढ़ने पे अगर स्लोप या वाई बढ़े तो इसका मतलब एम पॉजिटिव होगा ठीक है तो हमने इंट्रोडक्शन टू लीनर इक्वेशंस में आपको वो सारी बातें बताई जो शायद आपने स्कूल में मिस कर दी थी ठीक है या नहीं बताएगी माइट बी द रीजन लेकिन अगर आपको अपना डेटा इंटरप्रेशन स्ट्रॉग करना है आपको अपना एलजेब्रा स्ट्रॉन्ग करना है तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ठीक है सो लेट्स मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम आपके साथ इसका नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लीनियर इक्वेश प्लीज वेट फॉर दैट थैंक यू